किसी जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करते थे। एक दिन जंगल में शहर से बहुत सारे शिकारी आए। उन्होंने जाल लगाया और बदकिस्मती से चिड़िया का एक बच्चा उसमें फंस गया। चिड़िया और चिड़ा बहुत परेशान हुए, रोने लगे, मगर शिकारियों ने चिड़े को ना छोड़ा और वो उसे साथ ले गए। यूं ही दिन गुजरते गए, चिड़िया और चिड़े के बच्चे बड़े होते गए और उन्होंने अपने लिए घोंसला बना दिया। एक दिन चिड़िया एक तरफ पर बैठी हुई थी तो एक प्यारा सा चिड़ा आया और बोला, प्यारी अम्मी जान, मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे शिकारी जाल में पकड़कर ले गए थे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई और चिड़ा जब शाम को लौटा उसने भी अपने नन्हे चिड़े को देखा और बहुत हैरान हुआ और उसे कहने लगा, कुछ दिन हमारे पास ही आराम करो, उसके बाद हम साथ जाएंगे और अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करेंगे। वो चिड़ा पिंजरे में शिकारियों के पास रहकर बहुत सुस्त हो गया था। एक दिन उसने वालदैन से कहा कि ऐसा करते हैं कि बंदर चाचा के पास जाते हैं और छोटा एक मिट्टी का प्याला बना लेते हैं, हम उसी में अपनी खुराक जमा कर लिया करेंगे। इस तरह ना तो हमें परेशानी होगी और ना ही खुराक की तलाश में बार बार मारा मारा फिरना पड़ेगा। और वो चिड़ा और चिड़िया दोनों ने उसकी बात मान ली और बंदर चाचा के पास चले गए और एक प्याला ले आए। कुछ दिन तो चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चे को लेकर खुराक जमा करते रहे, मगर वो इंतहाई सुस्त था। अब वो बहाने बना देता था, ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों से खेल कूद में गुजार देता और प्याले में से ही अपना खाना खाता रहता। एक दिन यूं ही वो प्याले में से अपना खाना खा रहा था कि अचानक एक भूखा अकाब उड़ता हुआ आया और उसने उस चिड़े को देखा और पकड़ लिया। क्योंकि वो ज़्यादातर बैठा रहता था इसलिए वो अपनी जान बचाने की कोशिश भी ना कर सका। उकाब ने उसे उठाया और ले गया। पास ही एक उल्लू सारा नज़ारा देख रहा था और कहने लगा, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।